जरा सा हम लोग समझें न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। नाभिकीय अगर रिएक्शंस को हम लोग देखें तो दो तरह का हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन और एक न्यूक्लियर रिएक्शन। अंतर क्या होगा दोनों में कि अगर परमाणु की संरचना को हम लोग देखें तो ये नाभिक है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। वैसी प्रतिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको हम लोग केमिकल रिएक्शन की श्रेणी में रखते हैं, जबकि वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें नाभिक खुद से हिस्सा लेता है उसको हम लोग नाभिकीय प्रतिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़े तो नाभिकीय प्रक्रियाएं जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होंगी उस पर जरा सा देख ले। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं कि जब अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, मतलब रेडियो एक्टिव हो, आप जानते हैं कि 1.6:1 के रेशियो में अगर हो जाए 16:10 या 1. से ज्यादा अगर एनपी रेशियो मिल जाए तो वैसी स्थिति में न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल होता है। और हाँ, ये बहुत हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी लगभग ये फॉलो होता है। तो वैसी स्थिति में नाभिक जो है वो अस्थायी हो जाएगा और तब वह दूसरे नाभिकों से रिएक्शन कर सकता है या दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से रिएक्शन कर सकता है, न्यूट्रॉन से कर जाए वगैरह वगैरह। तो इस पर हम लोग जरा सा चर्चा करेंगे कि कौन कौन टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकता है। पहला तो बेसिक पॉइंट हो गया कि अनस्टेबल होना चाहिए नाभिक को। मान लीजिए कि हाइड्रोजन हीलियम है तो इसमें जो है सो ये अभिक्रियाएं थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर उसी हाइड्रोजन का जो है सो हम लोग दूसरे समस्थानिक का इस्तेमाल करेंगे ट्राइटियम तो वैसी स्थिति में जो है सो वो हो जाएगा। तो इसमें जो है सो नाभिक वैसे नाभिक अधिक भाग लेते हैं इस प्रतिक्रिया में जिसमें जो कि अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। दो तरह का हम लोग रिएक्शन इसमें पाते हैं, एक को कहते हैं हम लोग फ्यूजन, हिंदी में इसको कहेंगे संलयन। तो नाभिकीय संलयन और दूसरा होगा फीसन, विखंडन। नाम सही जाहिर है, फ्यूजन मतलब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बना, छोटे छोटे कई नाभिक कई न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना ले। या फिर एक बड़ा सा नाभिक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाए। तो जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो यह नाभिकीय प्रतिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाएगी। और जब एक बड़ा नाभिक अन्य छोटे छोटे नाभिकों में न्यूक्लियस में टूट जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फिशन, विखंडन। ये क्लियर है इसका डेफिनेशन दोनों का? अब आगे चलें, एक एक करके दोनों को जानें। फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, सूर्य और अन्य जो तारे हैं उसमें क्या होता है? उसमें
हाइड्रोजन, हम यहां पर जब हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं एक सूर्य में, तो हाइड्रोजन नाभिक का बात करेंगे। क्यों, इसको समझना। मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम का बात कर ले, तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होगा, बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये गैसेस स्टेट में है, आप जानते हैं, शुरू से बचपन से पढ़े हैं, सॉलिड को गर्म करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ेगा, वो जो है सो लिक्विड में बदलेगा, फिर और गर्म करेंगे वो गैस में बदलेगा, और गर्म करेंगे तब क्या होगा, गैसेस स्टेट में, तो वो मॉलिक्यूलर स्टेट से टूटकर जो है सो एटॉमिक स्टेट में पहुंच जाएगा, और गर्म कर दे तब क्या होगा, तब होना शुरू होगा इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। ये जो है इसके चारों तरफ जिस कक्षा में चक्कर काट रहा था उससे बड़ी कक्षा में चक्कर काटने लगेगा, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। फिर और देते जाए उसमें, उसमें ऊर्जा और देते जाए तब क्या होगा, और बड़े कक्षा में चक्कर काटेगा, और ऊर्जा देते हैं। सूरज के पास अगर हम लोग जाए तो बाहरी कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, इनर कोर का तापमान 6 लाख के आसपास पहुंच जाता है, तो 6 लाख डिग्री सेल्सियस में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या बनेगी। ये कभी भी हाइड्रोजन के साथ अटैच रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। आप जानते हैं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गया तो ऐसे ही जो है वो तोड़ के निकल जाएगा बाइंडिंग्स को। तो इस स्थिति में कभी भी आप ये न कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग चुका है अब तक। तो कहने का मतलब है कि ये अब सिर्फ हाइड्रोजन नाभिक बचा है, मतलब सिर्फ प्रोटॉन बचा हुआ है, H प्लस। ये स्थिति स्पष्ट है, आपको सुन के खुशी होगा कि इस थ्योरी को लाने का श्रेय एक भारतीय वैज्ञानिक को जाता है। ये नाम था, जान ले, मेघनाथ साहा। अब ये मेघनाथ साहा आप जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी या ढाका यूनिवर्सिटी में जो है सो बहुत दिनों तक इन्होंने जो है सो काम किया है, और हिंदुस्तान के बड़े वैज्ञानिकों में से ये थे। इनकी थ्योरी है साहा थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, साहा थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें कहता है कि उष्मा बढ़ने के साथ साथ नाभिक और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, और साहा ने इसकी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझाई है। इसी के साथ साथ एक अन्य थ्योरी जापान से भी आई है कि हारा थ्योरी, और इन दोनों के माध्यम से हम लोग ये एस्टैब्लिश कर पाते। तो अब इस स्टेट का नाम क्या हुआ, सॉलिड गर्म करके लिक्विड, लिक्विड गर्म करके गैस, और गैस से गर्म होने के बाद ये आयोनाइज्ड स्टेट हो गया, और दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था थी, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी तारे में आप स्पष्ट कर लीजिए दिमाग में कि गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन हीलियम नहीं होता है, ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमारे पास जरूरत किस बात की है कि सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट में हम पहुंचे। हम लोग स्कूल के समय से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं,
हीलियम नाभिक बनाते हैं। यही पढ़े हैं ना हम लोग, बहुत सारे स्कूल की किताबों में तो ऐसे ही लिख दिया गया, कहीं कहीं तो ऐसा भी लिख दिया गया कि दो हाइड्रोजन नाभिक बन मिलकर जो है सो हीलियम नाभिक बनाएंगे। कल्पना से परे, अब जरा सा देख लीजिए, हाइड्रोजन में क्या है, 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, और हीलियम क्या हुआ, 2H4। अगर दो हाइड्रोजन को हम लोग मिला दें तो दो प्रोटॉन हो गया, और एक एक दो तो चार कैसे हो जाए, क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। दो दिमाग से इस सब मिसकंसेप्शन को आप लोग निकालते चले, जो बचपन से बहुत सरलीकृत करने के चक्कर में हम लोगों को बता दिया जाता है कि दो हाइड्रोजन मिलेगा तो हीलियम बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं, हमको चार हाइड्रोजन चाहिए तब जाकर एक हीलियम बनेगा। नीचे तो दो ही रहेगा तो उसमें नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो नीचे भी तो चार हो जाना चाहिए, ऊपर भी चार हो जाना चाहिए, ये ना? नहीं, इसमें जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो इसका दो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन्स में, तब वो इसमें हो जाएगा दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। यहां पर हमारा चार प्रोटॉन था जो किसमें कन्वर्ट हो गया, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये प्रक्रिया हुई, और इसको जो है तो हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा, अभी देखते हैं। हाँ, हो सकता है दो हाइड्रोजन मिलकर भी एक जो है सो हीलियम हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1H1 1H3, एक प्रोटियम हो जाए दूसरा ट्राइटियम हो जाए तब मिलके हो सकता, ऐसा हो जाने पर भी हो सकता, दो ड्यूटेरियम अगर आपस में मिल जाए तो भी बन सकता, तो ये कंडीशनल हो सकता। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन का नाम ले रहे हैं तो सामान्य जो है, तो सामान्य जो है क्या देख लेंगे कि चार प्रोटियम की बात हो गई, तो उस स्थिति में चार प्रोटियम चाहिए हमको हीलियम बनाने के लिए, या फिर एक प्रोटियम एक ट्राइटियम या दो ड्यूटेरियम। क्लियर है बात? अब चलिए, सहा थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन कहता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके बनेगा, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर आएगा कहां से? इसका मतलब है पृथ्वी जैसे जगह पर तो ये संभव नहीं है, तारों को तो हम एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन पृथ्वी में इस चीज को तैयार करना का तकनीक जो है सो विकसित कर लिया गया, जैसे उसको हम लोग कहते हैं MHD। ये MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक गन के माध्यम से हम लोग प्लाज्मा क्रिएट कर लेते हैं और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। इतना तापमान जो है सो पैदा करना संभव नहीं है। रूस ने एक बार एक एपरेटस बनाया था, वो टोकोमैक के माध्यम से हमने लेबोरेटरी में जो है सो इस प्रयोग का प्रयास किया है, क्या जो भी ये अभी हम लोग के विषय क्षेत्र से बाहर है, फिर भी सूचना के लिए, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये जो तकनीक है ये नाभिकीय संलयन की सीधी सीधी परिवर्तित स्थिति है। यहां पर हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या करते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियसेस को आपस में मिलाकर हीलियम में कन्वर्ट करते हैं, और उससे जो मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है आइंस्टीन रिलेशन से, और जो है तो अल्टीमेटली एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं कि एक मोल
हाइड्रोजन अगर कन्वर्ट होगा तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर समस्या उठी कि ये मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स से तो बहुत थोड़ी मात्रा में प्लाज्मा उत्पन्न किया जा सकता है, तो इतना बड़ा एनर्जी जो है सो बॉम्ब बनाने के लिए हम लोगों के पास क्या उपाय। तो हम लोगों के पास बहुत सीधा उपाय क्या, तो समझिए इसको। सबसे पहले हमको एक उच्च ऊर्जा का भंडार चाहिए, तो हम लोग जो है सो सबसे पहले एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते हैं, एटम बम। ये जो है सो फिशन टेक्निक से आएगा, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक एटम बम फोड़ते हैं पहले, उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा के प्रभाव में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी हाइड्रोजन बम के पहले एक छोटा एटम बम फोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो हम लोगों ने टेस्टिंग किया था, बाहर के टेस्टिंग को तो आप लोग याद नहीं रखेंगे होंगे, अपने यहाँ का टेस्टिंग कम से कम, तो उसमें जो है सबसे पहला जो टेस्टिंग हुआ था वो एटम बम का हुआ था, और सब्सिक्वेंटली ठीक उसके पीछे हाइड्रोजन बम का टेस्टिंग हुआ था। उसके पीछे वही कारण था कि पहले बम में जो है सो उष्मा उत्पन्न हुई, और दूसरे जो है सो टेस्टिंग में हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग कर ली गई तुरंत उसी उष्मा का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से उस दिन हम लोगों ने एटम बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम का भी टेस्टिंग किया। आप उसकी हिस्ट्री को निकाल के एक बार जो है सो सर्च कर ली, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक बहुत बड़ी उष्मा की जरूरत होगी, जो हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिशन से मिल पाएगा, मतलब एटम बम से ही मिल पाएगा, अगर उसको बम के रूप में क्रिएट करना है तो, ठीक है। आशा है कि हाइड्रोजन बम के बारे में आप लोग थोड़ा बात समझे होंगे। अब आइए न्यूक्लियर फिशन के बारे में।